हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, हम यहां पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, जिसमें आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं आपने कौन कौन से क्वेश्चन को अभी तक डिस्कस किया है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया था, उसमें आपसे पूछा गया था कि आपको उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है, यानी कि वो कंडीशन जो कि क्या है, किसी सामान्य जीव के लिए क्या है, नॉर्मल नहीं होती है। यानी कि कोई भी जो जीव है वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता है, ऐसी जो कंडीशन होती है उसे आप एक्सट्रीम कंडीशन कहते हैं। आपके पास ऑप्शन आए हैं यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइको बैक्टीरिया। आपका जो आंसर आया था वो क्या था, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया था, आपने कहा था लीनियस यूज्ड विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि लीनियस ने वर्गीकरण के किस साम्राज्य का प्रयोग किया था। आपने बोला आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनिक सिस्टम और एसेक्सुअल सिस्टम। तो आपके पास आंसर आया था आर्टिफिशियल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी कि वर्गीकरण का सबसे छोटा वर्ग क्या है। किंगडम है, फैमिली है, वैरायटी है, स्पीशीज है। तो आपने कहा स्पीशीज है, सबसे छोटी इकाई है जो वर्गीकरण की, उसे आपने स्पीशीज कहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, यानी कि आर्किया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों को निम्नलिखित में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। चार किंगडम आपको बताए गए हैं, एनिमल एनिमेलिया है, प्लांटी है, मोनेरा है और फंजाई है। तो आपका आंसर क्या आएगा, मोनेरा में आएगा। मोनेरा में आपने क्या की थी, माइक्रोब्स की बात की थी, बैक्टीरिया की आपने बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है बेंथम एंड हुकर के विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम और हुकर ने वर्गीकरण की कौन सी प्रणाली दी थी। आपने कहा न्यूमेरिकल है, फाइलोजेनिक है, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। तो आपके पास आंसर आया था नेचुरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन यहाँ पर देखा था, आपने कहा था व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि पांच राज्य व्यवस्था में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति की संरचना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि न्यूट्रिशन का तरीका। तो आपने कहा था न्यूट्रिशन के तरीका, यहाँ पर हमने क्या कहा था, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था उसका मुख्य आधार यहाँ पर हमने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फंजाई, कि जो कवक है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है दे आर यूकैरियोट्स, ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होते हैं। आपने कहा था प्रोकैरियोट का मतलब होता है जो प्रिमिटिव सेल होती है, यानी कि सबसे प्राचीन सेल जो है जिसमें अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आई है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं आए हैं। ठीक है, यूकैरियोट क्या होंगे कि इस प्रकार की जो सेल होगी उसमें न्यूक्लियस आ गया है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स है वो यहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप तीसरे किंगडम के बारे में बात कर रहे थे, तो तीसरे किंगडम आपने कहा कि यहाँ पर जो जीव आते हैं वो कैसे होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। दे आर हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि विषम पोषी है, आपने कहा इनमें क्योंकि क्लोरोफिल पाया ही नहीं जा रहा है, अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो आप इसे प्लांटी में रखते। ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला दे पजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, की इनमें सिर्फ सेलुलोजिक सेल वॉल होती है यानी कि जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। आपने कहा कि जो कवक होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर के बनी होती है। तो आंसर आपका क्या आया था, ऑप्शन नंबर थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो यहाँ पर कवक होते हैं उनके सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने बात की थी कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, यानी कि अफ्रीकी नींद की बीमारी किसके द्वारा कॉज्ड होती है। आपके पास एक क्वेश्चन होमवर्क में आया था, आपके पास जो ऑप्शन आए हैं वो है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, टी टैंगोला, टी रोडिसियंस एंड टी गैम्बियंस। आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, टी गैम्बियंस के द्वारा क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है। तो एक बार अपने ऑप्शन को टिक कीजिए, प्लस मुझे ये बताइए कि ये जो टी गैम्बियंस होते हैं ये क्या होते हैं, यानी कि किस श्रेणी में आप इन्हें रखेंगे। चलिए, तो आपने बात की है, यहाँ पर आपने कहा जो
एम्बियंस होते हैं, तो आपने बोला ये किस ग्रुप से बिलोंग करेंगे, ठीक है? आपने कहा कि ये बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा से, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा से। अभी क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी किस प्रकार के परजीवी? आपने कहा कि अंतः परजीवी हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर रहेंगे और यहाँ पर डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके पास आता है, लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ अ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड, यानी कि लीनियस ने नामकरण की एक प्रणाली विकसित की जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्नेकुलर कहा जाता है, यानी कि मातृभाषा, या मोनोमियल कहा जाता है, एकपदीय कहा जाता है, पॉलीनोमियल कहा जाता है, या बायनोमियल कहा जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बायनोमियल। द्विनाम पद्धति कहा जाता है। क्यों द्विनाम पद्धति कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जीनस का नाम भी आएगा और यहाँ पे स्पीशीज का नाम भी आएगा। आपने क्या बोला था, जेनेरिक नेम भी आएगा और स्पेसिफिक नेम भी आएगा, यानी कि सबसे पहले आप जीनस का नाम लिखते हैं और उसके बाद आप स्पीशीज का नाम लिखते हैं। तो कुछ रूल्स आपने पढ़े थे जब द्विनाम पद्धति के बारे में आपने बोला था, जैसे कि अगर आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं, आपने कहा होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है, जैसे कि आपने कहा मटर पाइसम सटाइवम, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, आप दो नाम देख रहे हैं। दो नाम क्यों देख रहे हैं? पहले जीनस का नाम आता है, उसके बाद स्पीशीज का नाम आता है। अब आपने बोला जब भी आप जीनस का नाम लिखेंगे तो जीनस का जो नाम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और स्पीशीज का जब आप नाम लिखेंगे तो वो हमेशा कैसा होगा, स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। प्लस आपने बोला कि जब भी आप किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो आप हमेशा क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं इस प्रकार से, या तो आप अंडरलाइन कीजिए या फिर आपने देखा होगा बुक में जो होते हैं वो क्या लिखे होते हैं, जो इटैलिक में जो लिखे होते हैं या फिर उस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि द्विनाम पद्धति में आप जब अगर किसी का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है, व्हाट इज टैक्सोन, टैक्सोन क्या है? देखिए जब हमने वर्गीकरण की बात की थी तो वर्गीकरण हमने बहुत सारी बेसिक सी चीजें देखी थी, जैसे कि सबसे पहले हमने ये बात की है कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। वर्गीकरण आप कैसे करते हैं? आपने कहा सबसे पहले आप एक जनरल सा क्या लेते हैं, जनरल सा कैरेक्टर लेंगे। जैसे कि अगर हम बोलें कि आपको क्या करना है, एक एरिया है आपके पास, ठीक है, एक एरिया आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल आपका गाँव हो सकता है या फिर आपके गाँव के आसपास का जो क्षेत्र होता है। आपने बोला कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि टोटल जो बिल्डिंग है वो कितनी बिल्डिंग है। अब आपको एक कैरेक्टर है, आप जनरली आप देखेंगे बिल्डिंग, ठीक है, जनरली आपने क्या देखा, बिल्डिंग या जो भवन होते हैं। तो आपने कहा कि टोटल हमारे पास कितनी बिल्डिंग है, 10 बिल्डिंग है, ये बात हमने की है। आपने जनरली देखा, आपको ये नहीं पता है कि किस बिल्डिंग में क्या काम होता है, कौन सी बिल्डिंग किस पर्पज के लिए बनाई गई है। आपने सिंपल सा कहा कि हमारे एरिया में 10 बिल्डिंग हमारे पास आती है, 10 भवन हमारे पास आते हैं। आपने कहा ठीक है, पहला जो एक जनरल सा कैरेक्टर था वो ये था कि बिल्डिंग का आपको नंबर बताना था। अब आपने बोला कि यहाँ पर किस बिल्डिंग में कौन सा काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कीजिए। आपने क्या बोला, किस बिल्डिंग में क्या काम हो रहा है, तो हमने बोला कि 10 में से जो आपकी 5 बिल्डिंग थी वहां पर आपके क्या पाए जा रहे थे, स्कूल पाए जा रहे थे, ठीक है। 10 में से जो 5 बिल्डिंग थी वहां पर आपके स्कूल थे, ठीक है। आपने कहा जो वहां पर 3 बिल्डिंग थी वहां पर आपके क्या थे, हॉस्पिटल थे, क्लियर है। और आपने कहा कि जो 2 बिल्डिंग है यहाँ पर वो आपने कहा कि वो कंपनीज की बिल्डिंग थी, ठीक है। अब आपके पास और ग्रुप आए हैं, ग्रुप किया आपने, आपने कहा सबसे पहले तो आपने 10 बिल्डिंगों को एक ही ग्रुप में रख दिया है, एक ही ग्रुप में रख दिया आपने। तो चलिए इसे एक थोड़ा और सिस्टमेटिक ढंग से समझते हैं। चलिए आपने बोला सबसे पहले तो आपने क्या किया, बिल्डिंग का नंबर देखा, कितनी थी, 10 थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास आपने जनरल कैरेक्टर को ले लिया है, फिर आपने जब बोला कि अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू वर्क यानी कि कार्य के अनुसार, कार्य के आधार पर आपने कहा कि इन बिल्डिंगों को आप ये बताइए किस बिल्डिंग में कौन सा काम चल रहा है। आपने कहा कि 10 में से जो 5 बिल्डिंगें थी वहां पर आपने कहा कि आपके स्कूल थे, फिर आपने बोला कि जो 3 बिल्डिंगें थी वहां पर आपके हॉस्पिटल थे, और जो 2 बिल्डिंग थी वहां पर आपकी कंपनी थी। अब और आप किस और भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। आपने कहा पहला ये हो गया है, पहले में आपने क्या किया, 10 बिल्डिंगों को एक ही ग्रुप में रख दिया है, जैसे कि आप किंगडम में रखते हैं। किंगडम में आपने क्या कहा, आपने सारे प्लांट्स एक किंगडम में रख लिए हैं, आपने सारे एनिमल्स एक किंगडम में रख लिए हैं। अब एनिमल्स के बारे में जब आपने बात की तो आपने बात की है किसकी, फाइलम पॉलीफेरा की,
फाइलम पॉरीफेरा। और फाइलम पॉरीफेरा में आपने स्पॉन्जेस की बात की है, ठीक है, स्पॉन्जेस की आपने बात की है। और आप स्पॉन्जेस की तुलना अगर आप ह्यूमन बीइंग से कराएं, मनुष्यों से कराएं, अगर आप क्या करें, स्पॉन्जेस की तुलना अगर आप ह्यूमन बीइंग से करें, आप देखेंगे बहुत अंतर है। क्योंकि स्पॉन्जेस कैसे थे, आपने कहा कि ये सेसाइल थे, ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो पानी में ही पाए जाते हैं। कैसे थे कि सरफेस से अटैच होते हैं, ठीक है, कोई भी इनमें क्या है, टिश्यू नहीं पाया जा रहा है, सिर्फ कोशिकाएं पाई जा रही है, कोशिकीय स्तर इनमें पाया जा रहा है, इनमें ऊतक ही नहीं बने हैं, ठीक है, इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं पाया जा रहा है। इनमें यहाँ पे क्या है, जो डाइजेशन है वो सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म हम कहेंगे, सबसे सिंपल एनिमल हम कहेंगे, ठीक है, किंगडम एनिमिलिया का सबसे सिंपल जो एनिमल है वो आपके स्पॉन्जेस आते हैं। और अगर सबसे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आपने कहा ह्यूमन बींग, जो मनुष्य होते हैं उनमें यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम तक पाया जा रहा है। तो आपने कहा कि दोनों क्या है, एक ही किंगडम में रखे गए हैं, क्लियर है, दोनों एक ही किंगडम में रखे गए। तो सेम वैसा ही था, सारी बिल्डिंगों को आपने एक ही ग्रुप में रख दिया। अब आपने कहा कि देखिए कि किस बिल्डिंग में कौन सा काम हो रहा है। आपने कहा पांच बिल्डिंगों में तो स्कूल चल रहे हैं, तीन बिल्डिंग में हॉस्पिटल चल रहे हैं, दो बिल्डिंग में क्या चल रहे हैं, आपकी कंपनीज चल रही हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपने कहा कि अगर आप एक ग्रुप को लेंगे, हम स्कूल्स को ले लेते हैं, अब आपने कहा कि जो स्कूल्स होते हैं, देखिए कि स्कूल में जितने भी लोग हैं वो किस प्रकार से आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपने कहा कि स्कूल्स में आपके प्रिंसिपल भी होंगे, आपके टीचर्स भी होंगे और आपके स्टूडेंट भी होंगे। फिर से तीन ग्रुप आ गए आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे भी क्या है, कार्य के अनुसार, स्कूल में किसका क्या कार्य है उसके अकॉर्डिंग आपने फिर से क्या कर दिया है, यहाँ पर तीसरा ग्रुप बना दिया है, आपने यहाँ पर तीसरा ग्रुप बना दिया है और आपके यहाँ पे फिर से तीन ग्रुप आ गए हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आपने बोला स्टूडेंट के अनुसार भी आपने अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। आपने कहा फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इसी प्रकार से अलग अलग क्लासेस आपकी बन गई हैं। अब आपने कहा फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास को भी आपने दो भागों में विभाजित किया कि कितने बॉयज आते हैं और कितनी गर्ल्स आती हैं। आप कर क्या रहे हैं, देखिए आपने कहा तीसरा ग्रुप आपका ये बना था, ठीक है, और चौथा ग्रुप आपने क्या बना दिया है, ये बना दिया है चौथा की क्लासेस के अकॉर्डिंग। पांचवा ग्रुप आपने ये बना दिया कि कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर है, सबसे पहले सिर्फ आपने बिल्डिंग को देखा कि बिल्डिंग कितनी है यहाँ पर, उसके बाद आपने देखा कि बिल्डिंगों में कार्य के आधार पर आपने देखी, कार्य के आधार पर आपने अलग अलग भागों में देखा। अब आपने कहा स्कूल में, सबसे पहले तो आपने कार्य देखा था, आपने कहा था स्कूल में जितने भी लोग हैं अब उनकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन के आधार पर आपने फिर से ग्रुप यहाँ पर डिवाइड किए हैं, ठीक है। फिर आपने कहा स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन स्टूडेंट्स को क्लास के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड किया है, आपने कहा फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ है, इसी प्रकार से ट्वेल्थ क्लास तक आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपने कहा क्लासेस तो अलग अलग हो गई है लेकिन अब क्लासेस को भी आपने अलग अलग भागों में कैसे विभाजित किया, किस आधार पर किया, आधार मेन है। यहाँ पर बिल्डिंगे क्या थी, आपकी आधार थी, यहाँ पर कार्य आपका आधार था, यहाँ पर आपका जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी पोजीशन यहाँ पर आधार था, यहाँ पर आपने देखा कि जो बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने आपके स्कूल में सारे ही बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं, आपने कहा कि एज के अकॉर्डिंग है आपने अलग अलग क्लासेस में बच्चों को क्या किया है, डिवाइड किया है। और यहाँ पर आपने देखा कि लास्ट में क्लास को आपने डिवाइड किया कि कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज यहाँ पर आते हैं, तो आधार है आपके पास अलग अलग। अब आपने कहा कि ये जो फर्स्ट है, ये जो सेकंड है, ये थर्ड है, ये जो फोर्थ है, ये फिफ्थ है, जो जब आप डिवीजन कर रहे हैं एक आधार के बेसिस से आप क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, देखिए इसे हम कहते हैं टैक्सोन, ठीक है। ये पहला टैक्सोन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यानी कि जितने आपके क्या होते रहेंगे, डिविजन होते रहेंगे और डिविजन के जितने स्टेप आपके पास आ रहे हैं वो आपके क्या होते हैं, टैक्सोन होते हैं। ऐसे आपने कहा था किंगडम, आपने कहा फाइलम, इसी प्रकार से लास्ट में आपके पास आई थी स्पीशीज, सबसे लास्ट वाली जो यूनिट आई थी वो थी स्पीशीज। तो आपसे पूछा गया कि टैक्सोन क्या है, क्या है टैक्सोन, पर ये ऑप्शन आपके पास है। चलिए पहला जो आपके पास ऑप्शन आया है वो है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल्स। टैक्सोन क्या, संबंधित परिवारों का एक समूह है क्या, एक ग्रुप को आप टैक्सोन कह रहे हैं, कोई भी ग्रुप है क्या उसे आप टैक्सोन कह रहे हैं। अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित जीवों का जो प्रकार है क्या वो टैक्सोन है।
तीसरा कह रहा है संबंधित प्रजातियों का एक समूह यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जो रिलेटेड स्पीशीज होती है उनका जो ग्रुप होता है क्या आप उसे टैक्सोन कहेंगे, या किसी भी रैंकिंग का एक समूह होता है यानी कि ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, यानी कि कोई भी रैंक आपके पास जो ग्रुप आ रहे हैं उसकी कोई भी जो एक रैंक है क्या उसे आप टैक्सोन कहेंगे। तो एक बार आप अपने ऑप्शन को देखिए और सही ऑप्शन को चूज कीजिए। चलिए, तो आपने देखा होगा आपका जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया है, आपने कहा कि जब भी आप वर्गीकरण कर रहे हैं कोई भी जो रैंक आ रही है, कोई भी जो ग्रुप आपका बन रहा है, उसे आप क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आया ICBN स्टैंड फॉर, यानी कि आपको ICBN की क्या पूछी गई है, फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स एंड इंडियन कांग्रेस ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। तो क्या आपका सही आंसर आएगा, एक बार पढ़िए और बताइए कि यहाँ पर ICBN की फुल फॉर्म क्या होगी। चलिए, तो इजी है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर की बात चल रही है। तो आपने बोला ICBN स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्लियर है इतना ना। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, हाउ आर वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस। चलिए, क्वेश्चन आपके पास जो आया है उसमें आपसे पूछा गया जो वायरॉइड्स होते हैं वो वायरस से कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या बोला था, सबसे पहले तो वायरस के बारे में बात हमने की थी, हमने बोला था कि ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और कोशिकीय संरचनाएं होती हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड के बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है। ठीक है, अगर बॉडी से बाहर है तो नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर है तो लिविंग है। और क्या होते हैं, ये डिजीज को कॉज करते हैं। कैसे डिजीज को कॉज करेंगे, जो कि कैसे होंगे, यहाँ पे संक्रामक होंगे यानी कि फैल सकते हैं। एग्जाम्पल है HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को सबसे पहले डैमेज करता है। अब इसके सिम्टम्स आपको पहले पता नहीं चलते, क्योंकि क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा, और जैसे ही इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है तो छोटी से छोटी जो बीमारियां होती हैं, या कॉमन कोल्ड आप एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे से भी जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपको नहीं बचा पाता है। ठीक है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, नॉर्मल कोल्ड से भी आपको नहीं बचा पाता है। क्लियर है ना। तो अब आपने बोला कि जो HIV है, देखिए संक्रामक जो रोग होते हैं उसके फैलने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, हवा में ट्रैवल करते हैं, यानी कि हवा के द्वारा फैल सकते हैं, पानी के द्वारा फैल सकते हैं, खाने के द्वारा फैल सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपका इंटरनल फ्लूइड होता है जब वो ट्रांसफर होता है तभी वो डिजीज वहां पर ट्रांसफर होती है। जैसे कि आपने ब्लड डोनेट किया है तो आपका इंटरनल फ्लूइड क्या है, आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या है, कोई बीमारी है और वो क्या है, वायरस की वजह से है, तो अब वो अगर किसी को अपना रक्त दान कर रहा है तो क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो डिजीज है वो नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, सीमेन भी इसी का एक एग्जांपल है। या फिर जो यूज्ड सिरिंज होती है, अगर आप वो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं या फिर वो शेयर कर रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर है ना। अब बात करें अगर वायरॉइड्स के बारे में, आपने कहा कि सबसे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे छोटे संक्रामक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें डिफरेंस सबसे पहले हमने ये कहा था कि ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, लेकिन इनके बाहर प्रोटीन की कवरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं आपके पास क्या क्या यहाँ पर डिफरेंसेस बताए गए हैं। आपने कहा वायरॉइड्स आर स्मॉल, जो वायरॉइड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट विद अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA विदाउट अ प्रोटीन कोट। ठीक है, क्या था, सिंगल स्ट्रैंड RNA इनमें होगा और प्रोटीन कोट इनमें नहीं पाया जाता। बट वायरस हैव अ सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड RNA बाउंड विद अ प्रोटीन कोट। ठीक है, तो यहाँ पर जो वायरस होते हैं उसमें क्या होगा, RNA होता है और इसके बाहर क्या होते हैं, प्रोटीन की कवरिंग होती है। सेकेंड है, वायरस आर वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू वायरस, वायरस ज्यादा छोटे होते हैं वायरस के कंपेरिजन में। वायरस इनफेक्ट ओनली अ प्लांट्स, वायरस इनफेक्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब देखिए आपने बोला जो वायरॉइड्स होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, पेड़ पौधों को ही, पादपों को ही क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो वायरस होते हैं वो सारे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, सारे को ही क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो तीन डिफरेंसेस आपके पास आए हैं, एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए।
चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ अ क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको अलग अलग क्लासेस के क्या देने हैं यहाँ पे कंपैरिजन आपको बताना है, ठीक है, कौन से किंगडम फंजाई के। तो क्या क्या चीजें आप बताएंगे, एक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, दो चीजों के बेसिस पे आपको किंगडम फंजाई के अलग अलग क्लासेस के क्या देने हैं यहाँ पे कंपैरिजन आपको बताना है। सबसे पहले आप क्लासेस को देख लीजिए, फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट एंड ड्यूटेरोमाइसिट, ठीक है, आपके पास कितनी है यहाँ पर, चार क्लासेस आई हैं, चार क्लासेस आई हैं और दो आधार आपके पास आए हैं कि इनमें पोषण किस प्रकार का पाया जाता है और रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो चारों क्लासेस को आप देखेंगे, चारों क्लासेस में किस प्रकार से डिफरेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, जो फाइकोमाइसिट्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये किंगडम कौन सा है यहाँ पर, किंगडम है यहाँ पर फंजाई, ठीक है, कवक है, कवक का मतलब है कि कैसे होंगे, परपोषी होंगे, ठीक है, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो परपोषी होंगे। तो आपने बोला कि सारे ही परपोषी हैं, ये सारे ही परपोषी हैं, लेकिन जो परपोषी पोषण है वो किस प्रकार का पाया जा रहा है वो सब में डिफरेंट होगा, अभी आप देखेंगे। तो आपने बोला जो फाइकोमाइसिट्स है वो कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ, जिसे आप क्या कहते हैं, मृतोपजीवी, ठीक है, क्या होंगे, मृतोपजीवी है, ठीक है, और पैरासिटिक का मतलब क्या हुआ, परजीवी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने बोला कि जो सैप्रोफिटिक होते हैं वो अपने भोजन के रूप में सड़े गले पदार्थ को क्या करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन जो परजीवी होंगे वो किसी लिविंग पर क्या करेंगे, अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। जो फाइकोमाइसिट्स हैं आपको वो सैप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। अब देखिए एस्कोमाइसिट्स क्या क्या होते हैं, आपने कहा डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं या फिर कॉप्रोफिलस होते हैं। अब आपने कहा डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जिसे आप कहते हैं अपघटक, अपघटक कौन से होते हैं, डिकम्पोजर्स यानी कि जो डिकम्पोज कर रहे हैं। तो आपने जब पढ़ा था, आपने पढ़ा था जैविक कचरे के बारे में और अजैविक कचरे के बारे में, सुना है आपने, आपको हमेशा बताया जाता है कि जैविक कचरे को और अजैविक कचरे को हमें अलग अलग रखना चाहिए। क्या रीजन है इसका, आपने बोला था क्योंकि जो जैविक कचरा है वो क्या होता है, खुद ब खुद वहां पर नष्ट हो जाता है। अब जैविक कचरा क्या था, सबसे पहले तो ये समझिए, वो कचरा जो किसी भी लिविंग के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक है, जो किसी लिविंग की बॉडी से क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि अगर हम प्लांट्स को देखें, तो प्लांट से आपने कहा कि क्या आते हैं, आपने कहा कि पेड़ आता है, पेड़ की लकड़ियां आ सकती है, उसकी पत्तियां आ सकती हैं, आपने कहा फल सब्जियां आ सकती हैं, अनाज आ सकता है। अब आपने कहा जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की डेड बॉडी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने कहा कि जो भी कचरा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसे आप जैविक कचरा कहते हैं। जैविक का मतलब ही क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है, जहां भी जैविक आ गया उसका मतलब होता है लिविंग। तो किसी लिविंग से क्या हो रहा है, कचरा उत्पन्न हो रहा है, लिविंग के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, लिविंग से कहा जा रहा है कि किसी लिविंग, किसी जीवित जीव से क्या हो रहा है, अगर कूड़ा या कचरा उत्पन्न हो रहा है उसे आप क्या कहते हैं, जैविक कचरा कहते हैं। जो जैविक कचरा होता है उसका जो अपघटन होता है वो नेचुरली हो जाता है, ठीक है, कुछ माइक्रोब्स होते हैं यहाँ पर, कुछ कृमि होते हैं जो कि उसका अपघटन करते हैं और उसे क्या करते हैं, खाद में परिवर्तित कर देते हैं। अब जो अजैविक कूड़ा है, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल आप प्लास्टिक लेते हैं, आपने कहा कि जो प्लास्टिक है, सबसे पहले तो प्लास्टिक क्या हो रहा है, किसी लिविंग से उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है, और प्लास्टिक क्या है, नेचुरली यहाँ पर अपघटित नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि दोनों जो आपके कूड़े होते हैं उन्हें अलग अलग रखना है। एस्कोमाइसिट्स कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं, ये सैप्रोफिटिक भी हैं यानी कि मृतोपजीवी भी हैं, ये पैरासिटिक भी हैं और कॉप्रोफिलस भी हैं। अब बेसिडोमाइसिट्स के बारे में आपको क्या बोला, कि ये है मृतोपजीवी, सैप्रोफिटिक है, और ड्यूटेरोमाइसिट्स के बारे में आपने क्या बोला, डिकम्पोजर्स हैं, सैप्रोफाइट है और पैरासिटिक है, तीनों ही इनमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आपके पास जो बेस आता है, जो आधार आता है, वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन किस प्रकार से इनमें हो रहा है। अब हम फाइकोमाइसिट्स की बात करेंगे, देखिए जो आपने अलग अलग क्लासेस आपने पढ़ी, ठीक है, जब आपने किंगडम फंजाई के अलग अलग क्लासेस पढ़ी तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आपने देखा कि रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ रहे थे सब में, तो आपने डायग्राम भी वहां पर बनाया और जब आप डायग्राम बनाएंगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर,
इनमें जो अलैंगिक जनन होगा वो जूस स्पोर के द्वारा होगा, जो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब क्या होता है, जिनमें मूवमेंट पाए जाते हैं, जिनमें गति पाई जाती है। एंड एप्लोनोस्पोर, जो एप्लोनोस्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जिनमें गति नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन आपसे आता है कि जो जूस स्पोर और एप्लोनोस्पोर दोनों में से मोटाइल कौन है और नॉन मोटाइल कौन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन कैसे होगा, आपने कहा जाइगोट कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो आप जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन में यहाँ पे गैमेट बनेंगे। अब आपको बोला गया कि गैमेट सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। उनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी, उनकी जो शारीरिक संरचना होगी, यानी कि वो दिखने में कैसे होंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। एस्कोमाइसिस में आपने क्या बोला, थ्रो ए सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड अ कोनिडिया एंड सेक्सुअल स्पोर्स आर नोन एज एस्कोस्पोर्स। आपने बोला जो ए जहाँ पे अलैंगिक जनन के जो स्पोर होते हैं उन्हें आप कोनिडिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें भी क्या पाए जा रहे हैं, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जा रहे हैं। और अगर अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन में क्या बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं। अलैंगिक जनन में जो स्पोर बन रहे हैं उसे आप कोनिडिया कहेंगे, और लैंगिक जनन में जो स्पोर बनेंगे आप उसे कहेंगे एस्कोस्पोर्स, ठीक है। बेसिडोमाइसिस में आपने क्या बोला, बाय वेजिटेशन रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग। ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपने बोला यहाँ पर अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जब आप प्लांट्स में पढ़ रहे थे आपने कहा था वेजिटेशन रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग। बडिंग यहाँ पर पाई जा रही है, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर इज प्लाज्मोगैमी। और लास्ट में जो ड्यूटेरियोमाइसिट्स आपने कहा थ्रो ए सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड अ कोनिडिया, यानी कि यहाँ पर जो ए सेक्सुअल अलैंगिक जो आपको बीजाणु मिलते हैं उन्हें आप क्या कह रहे हैं, कोनिडिया कहते हैं। तो एक बार आप क्या करेंगे, चारों ही क्लासेस का जो अंतर है उसे आप नोट कर लेंगे। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं ये आपको बताने हैं। तो आपने कहा द टिपिकल फीचर्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेकेंड है देयर बॉडी इज फ्लेक्सीबल बिकॉज देयर इज अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड अ टेलिसेल। इनमें क्या पाई जाती है, इनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, टेलिसेल्स पाए जाते हैं। टू फ्लैजला ऑफ अ डिफरेंट लेंथ आर फाउंड, इनमें दो फ्लैजला पाए जाएंगे और दो फ्लैजला कैसे होते हैं, अलग अलग लेंथ के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर ऑटोट्रॉपिक इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट एंड हेटेरोट्रॉपिक इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अगर सूर्य का प्रकाश है तो कैसे होंगे, यूग्लिना एग्जाम्पल है आपके पास, आपने बोला अगर यहाँ पे प्रकाश है, सनलाइट है, तो ये क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और अगर यहाँ पर जो सनलाइट है वो एब्सेंस है तो कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉप होंगे, यानी कि परपोषी होते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। अगला प्रश्न जब आप देखेंगे, आपने कहा डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोस सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि चर्चा करें कि कैसे समय के साथ साथ वर्गीकरण प्रणाली में कई बदलाव आए हैं। अब जब हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो हमने कैसे स्टार्ट किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उससे पहले भी आपके पास क्लासिफिकेशन आए हैं, उसके बाद आपके पास लास्ट में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो उससे पहले कई बार डिस्कवरी हो चुकी थी। तो यही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। आपने बोला एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ही यूज्ड अ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई अ प्लांट्स इनटू ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स। ही डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू अ टू ग्रुप्स, वन विद रेड ब्लड एंड वन विदाउट। क्या हुआ था, सबसे पहले आपने बोला अरस्तु वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने पौधों को पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों में वर्गीकृत करने के लिए सरल रूपात्मक लक्षणों का उपयोग किया था। और जो यहाँ पर एनिमल होते हैं या जो जंतु होते हैं, जानवर से ज्यादा यहाँ पे क्या सही होगा, जंतु, जंतु को उन्होंने दो समूह में विभाजित किया। एक वो होते हैं जिनमें लाल रक्त वाला समूह था और दूसरा बिना रक्त वाला समूह था, ठीक है। अब देखिए, जब अरस्तु ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था, जब उन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने सिंपल सा देखा कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी संरचना कैसी है। उन्होंने बोला पेड़ होते हैं, ठीक है, ट्रीज होते हैं, झाड़ियां होती हैं और जड़ी बूटी होती हैं। क्या इसे आप कहते हैं, जब आप छोटी क्लासेस में थे आपने क्या पढ़ा था, हर्ब्स,
श्रब और ट्रीज आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपने सिर्फ संरचना के आधार पर देखा, आपने देखा तने तना किस प्रकार का है, पेड़ की लंबाई कितनी है और तने में जो शाखाएं हैं वो किस प्रकार से निकल रही हैं। तो आपने सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे क्या कर दिया, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन था वो किया, जो जंतु थे जंतुओं में भी सिर्फ क्या हुआ, ब्लड के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया। नेक्स्ट आपने बोला लीनियस इंट्रोड्यूस अ टू किंगडम क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड अ प्लांटी एंड एनिमेलिया रिस्पेक्टिवली प्लांट एंड एनिमल्स, बट दिस क्लासिफिकेशन डज नॉट क्लासिफाइड यू कैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर द सिस्टम वाज फाउंड टू बी लेस सिग्निफिकेंट एज इट डिड नॉट इंक्लूड मोर फीचर्स। क्या हुआ कि लीनियस ने दो जगत वर्गीकरण पेश किए जिसमें क्या था, प्लांट और एनिमल आपके पास आया था, लेकिन यह वर्गीकरण यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को नहीं बताता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में नहीं बताता है, प्रकाश संश्लेषण और गैर प्रकाश संश्लेषक जीवों के बारे में नहीं बताता है, इसलिए सिस्टम को कम महत्वपूर्ण पाया गया, ठीक है। और इसीलिए आपके पास फिर बाद में आगे चलकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया है, ठीक है। तो एक बार आप जो चैप्टर है उसे पढ़ लेंगे, जो आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन आता है वहीं से ये क्वेश्चन आपके पास आया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।